पुलिस के जरिए हिरासत में लिए गए तमाम युवा राजपूत सभा मेंबरान की रिहाई का कविंदर गुप्ता ने खैर मकदम किया। बीजेपी के सीनियर लीडर ने कहा कि वो तमाम तनाजात का हल निकलने के हवाले से काफी पुरउम्मीद हैं। उन्होंने कहा कि सरोवर टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर का मसला और दूसरे मसाइल भी बहुत जल्द हल हो जाएंगे। प्लाजा इशू पे एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बीती रात को सरकार ने जितने भी 26 के 26 डिटेन्ड युवा राजपूत सभा के मेंबरान थे उनको जेल से रिहा किया गया है और बातचीत का अमल भी अब सरकार चाहती है कि वो तेजी से आगे बढ़े। सर, किस तरह से आप लेते हैं जितने भी युवा राजपूत सभा के मेंबरान हैं उनकी रिहाई हो गई, बीजेपी किस तरह से इसको मानती है? क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा कदम है जिससे इस मसले का हल अब जल्द से जल्द होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद श्री मान जुगल किशोर जी और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता पहले से ही ये जो सड़क व परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी से बात कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि इस पर एक्शन होगा और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी जो एक प्रॉब्लम है जो चल रही है उसका हल जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। बताइए कि एक बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है बीजेपी पे कि भाई वो लोग वहां पे अंदर थे, आपकी लीडरशिप में कोई वहां नहीं गया, युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं वहां पे जेलों में बंद थे और फिर आप लोगों ने उस तरह से दबाव नहीं बनाया कि उनको रिहाई, या वहां नहीं गए कांग्रेस के गए, एनसी के गए, बाकी लोग गए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जमीन ढूंढ रही है इलेक्शन को देखते हुए। पहले ये कब किस इशू को लेकर के आए मैं ये पूछना चाहता हूं। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का सवाल है, लोग इनको नकार चुके हैं, ये अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। इन चीजों से, नेगेटिव चीजों से जमीन नहीं ढूंढी जाती, पॉजिटिव तरीकों से हल ढूंढे जाते हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है राजनीति इस पे ज्यादा हो रही है, या आपको लगता है कि राजपूत सभा की जो बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने बहुत वेट किया और उसके बाद भी नहीं हुआ तब हमने जाके, ठीक है, उनके प्रशासन से बात हुई हो रही थी तो प्रशासन ने ही संज्ञान लिया है और हमने अपने तौर पर अपने जो टॉप लीडरशिप है, हम एक नेशनल पार्टी है, उनसे बात की है तो उसी के कारण से इस प्रकार के हल निकल रहे हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि उम्मीद है कि दीगर मुतालबात भी जल्द माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा मेज पर मुजाकरात पर यकीन रखते हैं लेकिन हमें इस बार मौका नहीं दिया गया और बंद की तरफ जाना पड़ा। अरुण गुप्ता ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत तमाम मसाइल के हल के लिए आगे आएगी। एडवोकेट विक्रम शर्मा ने कहा कि सिविल सोसाइटी का किसी भी मसले के हल के लिए आगे आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बार और चैम्बर्स हमेशा सिविल कॉज के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं।